हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकपुर सौरभ त्रिवेदी। आज हम बनाएंगे 6 मंथ सेलिब्रेशन बर्थडे केक। तो 6 मंथ सेलिब्रेशन केक है तो हाफ़ केक बनेगा, मतलब हाफ डिज़ाइन वाला केक बनेगा जो हमारा 6 मंथ का था। तो हम पहले बेक करने रख दिया था केक को, और उसके बाद केक व्हीप क्रीम को व्हीप करने लग गए। व्हीप क्रीम को व्हीप करने के लिए मैं पहले 3 मिनट कि 3 की स्पीड में व्हीप कर लूँगी, उसके बाद 7 स्पीड की व्हीप करके ये रेडी कर लूँगी। ये हमारा क्रीम यहाँ पे रेडी हो गया है। एक बार बीच में हिला दीजिए जो ऊपर नीचे का क्रीम जो नहीं व्हीप हुआ वो हो जाएगा। और ये हमारा बेस केक का बेस बन के रेडी हो गया था, और उसे मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है। ये मुझे 500 ग्राम का ऑर्डर है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने रिक्वेस्ट की थोड़ा सा ज़्यादा करके देना, तो मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया। लेकिन 500 ग्राम का केक हो तो हमें 150 ग्राम प्रीमिक्स से बनाना है। 3 लेयर मैंने कट कर ली है, और ये मैंने 3 लेयर कट करके उसे आधा करके वो आधा हिस्सा वही ऊपर रख दिया है। ऐसे करके उसे प्रॉपर आइसिंग करके फ्रिज में ठंडा होने रख दिया था। तो यहाँ पे हमें सेमी फोंडन केक बनाना है। तो ये मुझे सुबह में डिलीवरी 6 बजे देनी है, और उसको कटिंग करना है शाम को। तो मैं फोंडन तो मैं रख नहीं सकती, तो ये फोंडन में होममेड रेडी किया है, जिससे हम फ्रिज में भी कितनी भी देर स्टोर करो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये ब्रेड के पीसीस को मैंने साइड वाली जो कॉर्नर है उसे निकाल दी, और अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और उसमें ग्लूकोज सिरप डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है। ग्लूकोज सिरप से एक डो बना के रेडी कर दिया है, और बाद में आधा घंटे के लिए फ्रिज में मैं बैटर पेपर से कवर करके रख दिया। ये जो पेपर है वो केक का नीचे का बेस का था, बटर पेपर वही मैंने यूज़ किया है, और उसे थोड़े छोटे हिस्सों में बांट के जेल कलर डाल के उसे प्रीमिक्स फोंडेंट रेडी कर लेंगे। जेल कलर 2 या 3 डॉप्स डालिए, उसे ज़्यादा नहीं डालिए, क्योंकि जेल कलर का कलर डार्क होता है। तो मैं यहाँ पे वाइट, ऑरेंज, रेड, पिंक और चॉकलेटी ये कलर बना के रेडी कर लूँगी, और उसे मैं जितना भी मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा उसे मैं क्लीन रैप में पैक करके साइड में रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये फोंडेंट नहीं है, ये है हमारा ब्रेड का घर का वो होममेड फोंडेंट है। तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, उस खुले में रखेंगे क्योंकि ब्रेड है ये। तो ऐसे ही करके हम सारे साइड में रख लेंगे, उसके बाद हम केक के ऊपर उसके फोंडेंट के टॉपर बना के रेडी कर लेंगे। तो टॉपर बनाने के लिए मुझे एक तो दो डॉल बनानी है, एक नीचे जो स्टैंडिंग है और ऊपर ये सिटिंग वाली डॉल है। बीच में सीढ़ी बनानी है, सीढ़ी मैंने चॉकलेट से बना ली है। तो ये फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैं इसका पिंक कलर का फ्रॉक है, बेबी का पिंक और ब्लू लाइनिंग वाला फ्रॉक था, तो पिंक और ब्लू का थीम था उसमें। मैं ये देखो ये ब्रेड का है तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो उसे हम हल्के से हाथ से दबा लेंगे, और फोंडेंट से टूल से कट करने के अच्छे से कुट हो जाएगा। ये मैंने उसका टेडी बेयर का माउथ बनाया, मुझे नहीं जचा तो मैं ये यहाँ से हटा लूँगी, और उसे फोंडेंट वाला कटर से कट करके ऊपर रखूँगी जो उसमें अच्छी लुक आएगी। तो साइड में मैंने हार्ट शेप का कट करके भी प्लेस कर दिए हैं, और ये मैंने रोज़ बनाया है, और यहाँ पे ये मैं मशरूम बना रही हूँ। मशरूम में गोल डिब्बा गोल गोल बना के नीचे वाइट वाला प्लेस कर दूँगी, और ऐसे ही रख दूँगी। बीच में जो सीढ़ी बनाई है वो मैंने चॉकलेट से बनाई है, और ये न्यूट्रल जेल से मैं थोड़ा सा उससे शाइनिंग दे दूँगी, तो क्या ब्रेड है वो ड्राई नहीं होगा और हमारी फोंडेंट में शाइनिंग आ जाएगी। साइड में मैंने बटरफ्लाई रख दिया है, और 1.5 बग का वो लगा दिया है, टॉपर लगा दिया है, और साइड में थोड़ा सा फिनिशिंग कवर करने के लिए मैंने स्टार नोजल से बॉर्डर कर दिया है, और सीढ़ी नहीं लिप लब से इसलिए व्हीप क्रीम का वहाँ पे कर लिया। रात को 12:30 बज गए थे ये केक बनाने में, पूरा कंप्लीट होते हुए 1 बज गए थे। ये सुबह का 6 बजे का शूटिंग है, मैंने कस्टमर को जब ये मैंने डिलीवर किया था तब मैंने बर्थडे टैग और ऊपर का टॉपर लगा के दे दिया था, और उसे बोल दिया था कि टॉपर हटा के फ्रिज में रखेंगे क्योंकि इतनी हाइट वाली फ्रिज में नहीं आएगी। तो ये उसका नाम हैंसी था, वो मैंने फोंडेंट से ही
लेटर में लगा दिया था, लेटर में फोंडेंट वाला बना के लगा दिया था, और उन्होंने ये पिक उन्होंने शेयर की थी। और उनका 6 मंथ का बर्थडे था बेबी का। तो ये ऐसे में होमवर्क फाउंडेंट को बना के किया है, और उसका वेट मेरा फाउंडेंट के साथ 7 से 7.5 केजी ग्राम का था। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम कभी सेमी फाउंडेंट केक फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो होमवर्क फाउंडेंट से भी केक बना सकते हैं। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर था और कस्टमर को बहुत अच्छा लगा। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।